पद्मश्री का पिता अभी तक ऑटो क्यों चलाता है? काम कोई छोटा नहीं होता है। अच्छा, आप लोगों को कब लगा ये चीज़ कि दीपिका आर्चरी में या तीरंदाजी में इतना अच्छा कर सकती हैं? लगा होगा बचपन में कि भाई ये चीज़ इसमें दिख रहा है, कब दिखने लगा वो क्वालिटी? इसकी तो कहानी लंबी हो जाएगी। तो शुरुआत में जब वो बांस के बल्लियों से तीर धनुष बना के वो खेलती थी, बात सही है? हाँ, वो पहले जो भी उसको कहते थे। कितने साल की उम्र रही होगी वो? 13 साल। 13 साल कि दीपिका पहले बचपन में आम के पेड़ में से आम पत्थर से मार के झाड़ लेती थी। जो सुन रहा है वही सही होगा। नहीं, सही है कि नहीं? सही है, सही है ना? हाँ। तो निशानेबाजी शुरू से रही उनकी अच्छी। हाँ, नरेंद्र मोदी से मिले। मोदी से मिले। मोदी जी क्या बोला? आज भी तो मोदी जी आपके बारे में बोल रहे थे, दीपिका के बारे में। हाँ, कि मन की बात रखे, बहुत खुश लगा हमको। और ऐसे मोदी जी आशीर्वाद देते रहे, और क्या चाहते हैं। नहीं, हम पहले 2-3 गो काम कर चुके हैं, लेकिन पहले किराना दुकान था छोटा सा, उसके बाद में टेम्पू लिए, क्योंकि अकेले संभाल नहीं खाता था किराना का, लास्ट में टेम्पू ले लिए। घर वाली जो है नर्सेस का काम करती है, तो उसने लेके गया, तो उस समय तो बहुत दुबली पतली थी। तो हम लोग बात किए, बात होने के बाद में तो मैडम बोली कि इसे ये बहुत दुबली पतली है, इससे भारी तो धनुष होता है। अंकल भी कह रहे थे। हाँ, धनुष होता है। तो वो थोड़ा सा मतलब नाराज हो गई, हम लोग भी थोड़ा उदास हो गए। लेकिन बाद में दीपिका बोली साइड में आकर के कि मम्मी हम मैडम से बात करें, हम लिए जरूर कर सकती है, करो। तो एक के शब्द बोली कि मैडम सो हमको मतलब 3 महीना रखिए, अगर 3 महीना में सक्सेस नहीं होंगे तो हमको आप बाहर निकाल दीजिएगा। Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. भगवान बिरसा मुंडा की धरती। भगवान बिरसा मुंडा जिनका हथियार तीर धनुष था, और शायद इसीलिए इस राज्य की बेटियां, यहां के बेटे तीर धनुष यानी कि तीरंदाजी में, जिसे हम आर्चरी भी कहते हैं अंग्रेजी नाम में, उसमें बड़ी माहिर है, जिसका सबूत है कि आज का दिन जब हम देख रहे हैं तो आर्चरी वर्ल्ड कप में दीपिका कुमारी सहित 2 और बेटियां राज्य की, उन्होंने स्वर्ण पदक झटके हैं। दीपिका कुमारी के हाथ 3 स्वर्ण पदक मिले हैं, और बाकी 2 और कुमिलिका और अंकिता को भी 1-1 स्वर्ण पदक मिले हैं। 3 बेटियों ने 5 स्वर्ण पदक झारखंड के लिए, भारत के लिए ही लेकिन झारखंड की बेटियों ने जीते हैं। दीपिका कुमारी ओलंपिक में भी जा रही हैं, और ओलंपिक में जाने वाली वह राज्य से पहली महिला भी थी, और अब ये दूसरी बार जाने वाली भी पहली बनी हैं जो लगातार 2 बार जा रही हैं। हमारे साथ दीपिका के पिताजी हैं, मम्मी भी बैठी हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। और इस वक्त हम दीपिका के घर ही आए हुए हैं, ये रातू चट्टी के पास इनका घर है, वहाँ पर हम पहुँचे हैं, इनसे बातचीत करते समझते हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको और मुबारक हो, आपकी बेटी की बदौलत 3-3 स्वर्ण मिले हैं भारत को। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं हम, और भगवान से मनाते हैं कि ऐसे लोग जीतते रहे, और जो जीती है तो अपने आप में हमको बहुत गर्व महसूस होता है। पहले 1 खिलाड़ी था, अब 2-2 खिलाड़ी है, तो स्वाभाविक है कि जीतेंगे ही, और मेहनत कैसे करते रहे और भगवान से मनाते रहे कैसे गोल्ड मेडल आते रहे। तो ओलंपिक में भी जा रही हैं दीपिका? हाँ, ओलंपिक में भी जा रही है, और वहाँ से गोल्ड उम्मीद करते हैं कि नहीं? हाँ, गोल्ड उम्मीद करते हैं। पहले 1 खिलाड़ी हमारे पास था, लेकिन अब 2 खिलाड़ी आ गया। हाँ। तो उम्मीद तो बहुत जाहिर है। 2 खिलाड़ी का दरअसल मतलब है कि जो दीपिका के हस्बैंड है, अतुल की बात शायद आप कर रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो अब एक ही परिवार से 2 खिलाड़ी है, और दोनों ने स्वर्ण इस बार लिए हैं। लेकिन मैं अतनु का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो झारखंड से कम नहीं है, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। बहरहाल आपके परिवार से हैं, और आपको दुगनी खुशी हो रही है? हमको तो दुगनी खुशी हो रही है, और इससे और क्या बताएं। अच्छा, ये घर आप ही का है? हाँ, मेरे ही है। यहाँ पे भी घर है, एक जो आगे भी। हाँ, वहाँ भी है। ये छोटा छोटा 2 गाय रखे हैं, इसी को पाल रहे हैं। अभी कोरोना में कहाँ जाएंगे, और टेम्पू तो अभी नहीं चल रहा है, टेम्पू बंद हो गया है, लेकिन टेम्पू हम चलाते हैं। अच्छा, ये 2 गाय मतलब ये हाथा बहुत ज्यादा बना हुआ है इसके वजह? हाथा पहले भाड़ा में लगा हुआ था, तो वो लोग रखा था, तो इसी खाली पड़ा हुआ था, तो हम भी 2 गो रख दिए और रख दें, तो इसी में गाय का सेवा कर रहे हैं अभी। तो 2 गाय पाले हैं खुद? हाँ, 2 गाय पाले हैं। तो दूध बेचते हैं, खाली पीते हैं? नहीं, अभी तो बच्चा है, अभी 14-14 महीने। और ये भी दोनों? हाँ, दूध हुआ नहीं है? नहीं, दूध नहीं हुआ है। अच्छा, और गाय पालने के विचार में लग रहे? नहीं, बस 2 ये को रखेंगे।
ऑटो भी नहीं चला पा रहा? ऑटो अभी नहीं चल पा रहा। कब से नहीं चल पा रहा ऑटो आपका? कल तो ले गए थे, कल ले गए थे, तो आजकल कमाई उमाई कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। किस रूट में चलाते हैं, कहाँ से कहाँ चलाते? रातू रांची चलाते हैं बस, उससे अलावा दूसरा जगह हम नहीं जाते हैं। अच्छा देखिए, एक बात दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है कि दीपिका कुमारी अर्जुना अवार्डी हैं, उनको अर्जुना अवार्ड मिला है, साथ में पद्मश्री भी मिला है जो कि सिविलियन का ऑनररी एक अवार्ड है, बहुत बड़ा अवार्ड है। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे, उनके हाथों मिला था मुझे लगता है। अभी गए थे तो पद्मश्री का, हालांकि हर काम बड़ा होता है, कुछ काम छोटी लड़की यही थी पद्मश्री पाने वाली, सबसे छोटी लड़की यही थी, 2012 मिला था। हाँ, बहुत हमको खुश लगा कि सबसे छोटी बच्ची को। राष्ट्रपति साहब मिले थे कि नहीं? हाँ मिले थे। क्या बोले आपसे? बहुत कि मिले थे, और ये भी मिले थे जो अभी मुख जो यहाँ का क्या जो अभी जो मन का बात जो रखे हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, मोदी से मिले थे। मोदी जी क्या बोला आज भी? तो मोदी जी आपके बारे में बोल रहे थे, दीपिका के बारे में। हाँ कि मन की बात रखे, बहुत खुश लगा हमको, और ऐसे ही मोदी जी आशीर्वाद देते रहे, और क्या चाहते हैं। आज रविवार है, रविवार के दिन प्रधानमंत्री अपनी मन की बात रखते हैं, और आज की मन की बात जो है पूरी तरह से केंद्रित खेल और खिलाड़ियों पर ही था। जहाँ तक मैंने भी सुना, दीपिका कुमारी का जिक्र हुआ और उन तमाम गोल्ड मेडलिस्ट का जिक्र हुआ, और अब हम झारखंड में जहाँ हैं, गौरव का क्षण सिर्फ दीपिका ही नहीं बल्कि और कई नाम हैं, निक्की प्रधान है, सरिमा टेट्टे हैं, चंचला हैं, जो कि ओलंपिक तक भी जा रही हैं, कोई वर्ल्ड कप में जा रही हैं, और इस बीच हमको मुझे लगता है कि शुरुआत इसकी हो चुकी है। अच्छा बताइए कि इतना कुछ हासिल करने के बाद, एक बड़ा मुकाम आपकी बेटी ने हासिल किया, पूरा देश और विश्व के भर के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, पद्मश्री का पिता अभी तक ऑटो क्यों चलाता है? काम कोई छोटा नहीं होता है, काम के नज़रिए से देखा जाए तो एक नाली भी साफ करना काम है, हम काम के नज़र से देखते हैं, और उससे ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगाते हैं, काम करते हैं, बस काम करते हैं। कब से चला रहे हैं ऑटो आप? अभी 10-15 साल हो गया मेरा। 10-15 साल से? हाँ, मुझे लगता है 10-12 साल से दीपिका इंटरनेशनल खेलना शुरू कर। हाँ, पहले बहुत दिक्कत था, लेकिन सब ऊपर वाला पार लगाए। अच्छा, दीपिका के वहाँ पहुँचने के बाद घर की स्थिति में कुछ बदलाव तो आया होगा? हाँ, जो भी आज उसी का देन है, जो भी पैसा दिया, जो भी यहाँ का झारखंड का पैसा नहीं है, बहुत कम है, सब बाहर में जीती है और वही पैसा ला के दी है, और वही जमीन ये घर खरीदे हैं। तो फिर उस तरह से स्थिति थोड़ी बदली है। हाँ बदली है। फिर भी आप ऑटो चलाते हैं, चूँकि आपका पुश्तैनी काम, पुश्तैनी मतलब आपका बहुत शुरू से काम रहा है, तो आपको छोड़ना नहीं चाह रहे? नहीं, हम पहले 2-3 को काम कर चुके हैं, लेकिन पहले किराना दुकान था छोटा सा, उसके बाद में टेम्पू लिए, क्योंकि अकेले संभाल नहीं खाता था किराना दुकान, लास्ट में टेम्पू ले लिए, और घर वाली जो है नर्सेस का काम करती है, तो दिक्कत हो जाता था, तो टेम्पू है कि चला लेते हैं, काम पड़ता है तो साथ में चल जाते हैं, तो इसीलिए टेम्पू हम अपना लिए, और बस। तो अभी घर में और कौन कौन है, मतलब आपके और मम्मी के अलावा कौन है? और एक बेटा है बस, जो आप मिले, दीपक। दरअसल हम इनके पिछले घर में गए थे तो वहाँ दीपक मिले, और फिर जानकारी मिले कि अंकल और आंटी दोनों है वो यहाँ पर आए हुए, तो हम इनसे मिलने के लिए फिर यहाँ पहुँच गए। अच्छा, क्या अभी और क्या उम्मीदें बाकी रह गई? काफ़ी मुकाम तो हासिल हो गया, अब क्या लगता है क्या बच गया रहना? अब कहाँ देखना चाहते हैं? अब ओलंपिक में कोई मेडल अगर चले लाता है वो लोग, तो हम बहुत खुश रहेंगे। ओलंपिक तो एक बार जा चुकी है? हाँ, एक बार जा चुकी है, एक बार नहीं दो बार जा चुकी है, अब तीसरा बार है। अच्छा, तीसरा बार, हाँ। तीसरा बार है, अब देखिए अब ऊपर वाला क्या करते हैं। मेहनत तो दोनों कर रहा है, ऐसा बात नहीं है, अरे भी मेहनत करती है, लेकिन अब फल देने वाला तो ऊपर वाला कहाँ था। पिछली बार कब आई थी दीपिका घर? शादी किए उसके बाद से नहीं आई है, नहीं आई। मतलब कितने साल हो गया? कितना है, एक साल हो गया, एक डेढ़ साल से नहीं आई, एक साल, एक साल से लौटी नहीं है। हाँ, 30 तारीख को बता रही मम्मी, 30 तारीख को हो गया, हाँ एक साल हो जाएगा। तो अभी तक आई नहीं है? नहीं आई। पिछले बार आई तो क्या माहौल था, कुछ बोल के गई थी? नहीं नहीं, बोलते थे कि बेटा मेहनत करो, कर्म करो, फल का सा मत सोचो, कर्म करेगा तो फल जरूर ऊपर वाला दे देंगे, और दे रहे हैं, और क्या चाहिए। अरे ये बताइए ना कि हम जो पढ़ रहे थे दीपिका के बारे में, तो शुरुआत में जब वो बांस के बल्लियों से और तीर धनुष बना के वो खेलती थी, बात सही है? हाँ, वो पहले जो भी उसको कहते थे। कितने साल की उम्र रही होगी वो? 13 साल। 13 साल, 13 साल की उम्र के आसपास दीपिका ने जिस तरह से घर में हमें से कई लोगों ने खेला होगा शायद, बांस को इस तरह से बनाकर उसमें से तीर मारती थी, तभी से उनको शौक था। फिर कब आपको, आपको कभी लगा कि भाई इनको जो है आर्चरी में जाना चाहिए? नहीं, हम आर्चरी नहीं जानते थे,
आर्चरी में हम जीरो थे, क्या होता है आर्चरी उसको भी हम नहीं जानते थे, लेकिन ऊपर वाला लक का है, भगवान साथ दे दिए। जो भी करती थी तो लगन से करती थी, छोटी ही थी लेकिन लगन से करती, जो काम कहते थे वो करती थी, इसलिए हो गया। और मीरा मुंडा का वहाँ पर था तो उन्होंने भी करवा लिया, अर्जुन मुंडा में भी बहुत काम किए, मीरा मुंडा भी काम किए, उन्हीं का इंस्टीट्यूट था तो यहीं पर ये कर दिए। छः महीना में ही प्रोग्रेस की थी, मैडम नहीं ले रही थी, बोली कि इतने पतली दुबली है कि तीरका उठाएगी, पतली थी पहले, बहुत पतली थी, हेल्थ ठीक हो गया। हाँ तो बोली कि पापा, मीरा मुंडा बोली कि धनुष का उठा नहीं सकेगा, इतना पतली दुबली है। मीरा मुंडा दरअसल जो नाम आ रहा है वो एकेडमी है जहाँ पे उनका एडमिशन करवाया गया था। हाँ तो वो बोली नहीं चला नहीं सके, तो बोली कि मैडम 6 महीना हमको मौका दीजिए, नहीं करेंगे तो आप निकाल दीजिएगा। तो 6 महीना में वो जीती थी वहाँ पर, हाँ उसी से सिलेक्शन हो गया, मीरा मुंडा रख लिए। उसके बाद फिर तो सफर जो चला वो तो चलता रहा, चलते रहा 1-1.5 साल में, फिर तो वहाँ से टाटा आर्चरी चली। हमारे साथ दीपिका की मम्मी भी है, उनसे बातचीत करते हैं। कैसा महसूस कर रही है दीपिका, 3-3 गोल्ड जीत ली है, बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है कि 3 गोल्ड सब कोई मिल करके जीता है, और इसके लिए तो बहुत बहुत आप लोगों को भी थैंक यू। अच्छा ये बात जो सुनने में आ रही थी, हम पढ़ रहे थे कि दीपिका पहले बचपन में आम के पेड़ में से आम पत्थर से मार के झाड़ लेती थी, जो सुन रहा है वही सही होगा। नहीं सही है कि नहीं? सही है ना। हाँ। तो निशानेबाजी शुरू से रही उनकी अच्छी। हाँ और बांस के वो तीर बनाती थी, ये भी बात सही है, सर अंकल बता रहे थे कि हाँ सही है। सही जो भी है बचपन का वो सब सही है। दीपिका शुरू बचपन में क्या शरारती थी कि बहुत भोली वाली थी? नहीं भोली वाली ही थी, शरारत उतना नहीं थी। यार बचपना तो सबको थोड़ा मोड़ा शरारत होता ही है, लेकिन उतना नहीं थी। अच्छा आप लोगों को कब लगा ये चीज़ कि दीपिका आर्चरी में या तीरंदाजी में इतना अच्छा कर सकती है, लगा बचपन में कि भाई ये चीज़ इसमें दिख रहा है, कब दिखने लगा वो क्वालिटी? इसकी तो कहानी लंबी हो जाएगी, छोटी करके बताएंगे तो ऐसे ही, मतलब जैसे कि अप्रैल में छुट्टी होता है बच्चे लोग, उसमें 12 साल का थी तो हम लोग गए थे नानी घर भंडरा, उसका है तो इसका एक मतलब क्या बोलेंगे मामा का साढ़ू का लड़की, वो आर्चरी में खेलती थी खरसवा में, तो वो बोली कि से दीपिका चलो हमारा घर घूमने के लिए लोहरदगा, तो बोली कि ठीक है जाएंगे। तो बोली कि ऐसे क्या करने जाएंगे, कुछ काम धाम है नहीं, तो चलो घूम के आते हैं। तो बोली कि नहीं चलो एक प्रतियोगिता निकलेगा तिरंगदाज का, तो बोली कि ठीक है चलिए घूमने। तो उसके बाद में हम लोग को बोली कि आप लोग घर चले जाइए मम्मी पापा, हम दूसरा दिन आएंगे। तो चली गई घर और हम लोग चले आए घर, वो चली गई लोहरदगा। उसके बाद में लोहरदगा जा करके वो बोली कि मम्मी से ऐसा ऐसा, मतलब हम खेल में मतलब गए थे पर नहीं कर पाए, सो हमको उसमें जाना है तो जाना है। हम कि कौन सा खेल है जी, तो बोली कि नहीं जो अर्जुन तीर जो चलाता है वो वाला, जो उसको हम मतलब क्या बोलते हैं तीर धनुष बोलते हैं। तो हम बोली ठीक है, सो कैसे जाएंगे इसका कुछ तो आइडिया ना। तो वो बोली कि इसे हम वो जो लड़की ले गई थी तो उससे नंबर ली कोच का, और लेने के बाद में हमको की, और उसके बाद में फिर बोली कि हम आ रहे हैं सो हमको लाइनअप करो किसी तरह से, हमको जाना है तो जाना है। तो हम लोग उसको लाइनअप किए, पहले मतलब कोच को फ़ोन लगाया, कोच का नंबर दिया तो कोच को फ़ोन लगाया, कोच बोले कि देखिए यहाँ पर भी फलना फलना तारीख को मतलब ये प्रतियोगिता होगा, आप उसको लेकर के आइए पहले। तो हम लोग वही जून आसपास लेके गए थे, अभी मेरे पास एक मोटरसाइकिल था तो वहाँ खुद भी गई थी। हाँ हम भी गए थे एक मोटरसाइकिल में, तीनों जन हम लोग गए थे। तो उसके बाद में एक दिन हम लोग टाटा में ठहरे, उसका दूसरा दिन सुबह मॉर्निंग में प्रतियोगिता था तो हम लोग लेके गए थे खरसवा। खरसवा में वहाँ पर गई तो वो भी भाग ली, सर उसको भी घुसाए। उसके बाद में वो बाहर का कोच था तो उसको नहीं हो पाया, तो बहुत रोने धोने लगी रोने लगी। उसके बाद में कोच ने कोच को भी बोली कि सर हमको किसी तरह से जाना है तो जाना है। हम लोग के पास भी बोले कि आप लोग मतलब कोशिश कीजिए कि हमको इसमें जाना है।
तो हम लोग तो दुविधा में हो गए कि आखिर इसमें भेजे तो कैसे भेजें। फिर जो खरसवां का जो कोच थे उनका नाम क्या था, उनका नाम तो वो बोले कि आप ऐसा कीजिए, अर्जुन मुंडा जो हैं उनका मतलब चलता है यहाँ पे आर्चरी, जो अर्जुन मुंडा के पास में जाइए और उनसे बात कीजिए, अगर हो सकता है कि अर्जुन मुंडा की वाइफ अगर रख ले तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिर वहाँ से मतलब हम लोग आ गए खरसवां से, मतलब घर आए। घर आने के बाद में दीपिका का पापा का एक दोस्त हैं LIC में, अभी वो रिटायर कर चुके हैं, उनकी बहन अर्जुन मुंडा के यहाँ काम करती थी, तो उनसे लाइनअप उनसे हुआ, उनके पास हम लोग गए। संपर्क साध के मिल मुलाकात हुई, अरे मिलते चला गया उसका मतलब हेल्प होते चला गया। तो उनसे गए, दीदी से बात किए, दीदी हम लोग को 2 दिन अर्जुन मुंडा के पास मिले गए, उन्होंने बहुत अच्छा से हम लोग को इज्जत किए, नाश्ता पानी जो भी 2 दिन गए दोनों दिन मतलब किए। दूसरा दिन मतलब अर्जुन मुंडा की वाइफ बोली कि दीपिका को आप लेके आइएगा, तो उसने लेके गए, तो उस समय तो बहुत दुबली पतली थी, तो हम लोग बात किए, बात होने के बाद में तो मैडम बोली कि ऐसे ये बहुत दुबली पतली है, इससे भारी तो धनुष होता है। अंकल भी कह रहे थे हाँ धनुष होता है, तो वो थोड़ा सा मतलब नाराज हो गई, हम लोग भी थोड़ा उदास हो गए। लेकिन बाद में दीपिका बोली साइड में आ करके कि मम्मी हम मैडम से बात करें, हम लिए जरूर कर सकती है करो, तो एक के शब्द बोली कि मैडम सो हमको मतलब 3 महीना रखिए, अगर 3 महीना में सक्सेस नहीं होंगे तो हमको आप बाहर निकाल दीजिएगा। उसके बाद में उससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोली। उसके बाद में मैडम को लगा कि मतलब जब ये बच्ची इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रही है तो हो सकता है हम लोग भी इसको हेल्प करें, तो उन्होंने तुरतम अर्जुन मुंडा को बोली मैडम। उसके बाद में फिर लेटर वेटर बना दिए सर, और बनाने के बाद में घर लेटर चलाया। उसके बाद उस लेटर को लेकर के हम लोग धूप में ही चले गए खरसवां, और जाने के बाद में सर को दिए, सर सुमन सर उनका नाम है, भी याद आ गया, सुमन सर बहुत हेल्प किए और उसको बहुत आगे बढ़ाए, इसलिए तो सुमन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अर्जुन मुंडा तो खैर उनके माँ बाप ही हैं, और अर्जुन मुंडा ने आज ट्वीट भी किया है। हाँ। जिस अर्जुन मुंडा की बात कर रही हैं उन्होंने आज ट्वीट किया, और अर्जुन मुंडा ही नहीं, प्रधानमंत्री ने बधाई दी है मन की बात में, चीफ मिनिस्टर ने, तमाम मंत्रियों ने, नेताओं ने जो झारखंड में है या अन्य जगहों पर हैं, सभी ने दीपिका सहित तमाम लोगों को जो गोल्ड मेडल ले रहे हैं या जो अब झारखंड का नाम खेल की दिशा में बहुत आगे लेकर जा रहे हैं, उन सभी को बधाई भी दी है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई कि किस तरह से एक फेल्यूर, पहला तो फेल्यूर ही रहा था, लेकिन उसके बाद से एक जिद, एक जुनून आई, जिसके बाद दीपिका ने कहा कि नहीं, अगर इसमें फेल हुए हैं तो हासिल करना है, और क्या शानदार हासिल हुआ है वो आप देख रहे हैं। आज 3-3 पदक, वो भी दीपिका के नाम है, और साथ में ओलंपिक भी जाने वाली हैं। तो उसके बाद में अर्जुन मुंडा की वाइफ से जब दीपिका मतलब पहला गोल्ड मेडल जीती थी अमेरिका में, तो 3 महीना में अपना करके दिखाई, तो अर्जुन मुंडा की वाइफ मतलब उसको स्पेशल उनको बुलाई अपने घर पे, और उसके बाद में घड़ी उड़ी वगैरह गिफ्ट वगैरह दी थी। अब तो दीपिका आती होंगी गांव तो पूरा भीड़ लग जाता होगा, नहीं कुछ नहीं, क्योंकि हम जब आ रहे थे तो सबसे यही पूछते थे दीपिका घर कौन सा है, तो बहुत दूर से लोग बता देते यहाँ से लेफ्ट जाना, वहाँ से राइट जाना है, बताएगा सब बता देगा, रांची से आपको बताना स्टार्ट कर देगा। एक अंतर तो महसूस करती होंगी जरूर। सबसे छोटी बेटी है दीपिका? नहीं, बड़ी है, बड़ी है हाँ, छोटी वाली है अभी नागालैंड में मणिपुर में, और उससे छोटा घर में बाबू था वो है जिनसे मुलाकात। इस बार अगर ओलंपिक में चुकी जा रही हैं दीपिका, वहाँ से भी गोल्ड की उम्मीद आप भी कर रहे हैं, हम सभी लोग कर रहे हैं, फिर क्या लौटने के विचार है ना कि नहीं, क्या बात होती, क्या बोलती हैं? नहीं अभी तो लौटने के नहीं है, क्योंकि अभी ओलंपिक है नज़दीक आ गया है, तो वो लोग उधर ही से चला जाएगा अभी ओलंपिक के बाद उम्मीद है कि आएंगी रांची। क्या कहना चाहेंगी तमाम लोगों से, क्योंकि आप उनकी माँ हैं जिन्होंने इस देश को 3-3 पदक आज के दिन में दिए हैं, और अतनु ने भी एक गोल्ड लिया है जो कि डबल दोनों खेल रहे थे, साथ में इसके पहले 2-2 बार ओलंपिक भी गए हैं, वो माँ जिसने दीपिका के फेल्यूर को भी देखा, वो माँ जिसने दीपिका के इतने बड़ा संघर्ष को भी देखा, क्या कहना चाहिए? तो दीपिका का एक माँ है, बेटी दामाद भी दोनों हो गए तो इसलिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ओलंपिक में जाए और अच्छा से मतलब ओलंपिक जैसा भी मतलब दौड़ चल रहा है उसके हिसाब से और आगे की ओर बढ़े, और मैं माता रानी से ही प्रार्थना करती हूँ कि गोल्ड मेडल लेकर के आए बेटी दामाद दोनों। ये लोग कौन है जो पीछे बच्ची हैं, कौन है ये? चली गई।
तो ये थी दीपिका की मम्मी, और हमने उनके पिताजी से बातचीत की, आपको उनका घर भी दिखाया। मैंने जैसा कहा कि ये धरती बिरसा मुंडा की है जिनका हथियार तीर धनुष था, तो क्यों नहीं यहाँ की बेटियाँ तीर धनुष में यानी कि तीरंदाजी में, आर्चरी में झंडे गाड़ेंगी, और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि विश्व पटल पर झारखंड का नाम रोशन करेगी। और वो दिन आज है जब 3-3 स्वर्ण पदक सिर्फ दीपिका के नाम पर है, और ओलंपिक में भी हम सभी, आप भी हम भी, इनके परिवार वाले, पूरा झारखंड, पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि ओलंपिक से भी मेडल मिले और दीपिका इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। आप देख रहे हैं द फॉलो अप अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। द फॉलो अप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in